हमारा मेंबर मस्जिद का अनएजुकेटेड लोगों के पास है, क्या वो एजुकेटेड लोगों के पास नहीं आ सकता? माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त सवाल है और ये आपके कोर्ट में बोल जाएगी। जिन लोगों ने 10 साल कुरान पढ़ा हो, कैन दे बी अनएजुकेटेड? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी किससे दीन की तरफ आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं दीनदारों को डिग्रेड करना शुरू कर दूं। 10 साल लगाए उन्होंने। आपके हमारे एजुकेशन सिस्टम में 13 किस्म के निजाम चलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन चलती है, लूट खसूट करने वाले भी हमारे दुनियावी तालीमी निजाम से निकलकर आने वाले लोग। ये भी तो तोहमत हम एजुकेटेड लोगों पर लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? मेन स्ट्रीम लाइन स्कूल को चलाने वाले अक्सर कौन लोग हैं? दुनियावी तालीम याफ्ता, ये तो हम पर तोहमत आएगी। और आप फैसिलिटीज देखिए इन मदारिस को चलाने वालों की, क्या फैसिलिटीज बेचारों के पास? 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, पता है आपको? नीचे बैठकर वो एग्जाम्स देते हैं, पता है आपको? आपको मुझे 4 किताबें जबानी याद नहीं हो सकती, इनको 20 किताबें क्या, सैकड़ों रिवायात जो है वो जबानी अरबी में याद होती हैं। क्या ये एजुकेशन नहीं है? तो खुदारा तोहमत ना लगाएं। एक दूसरी बात, हमारे जो दुनियावी तालीमी निजाम है इसमें इस्लामियात के टीचर की तनख्वाह कितनी होती है? सबको पता है, सबसे पतली किताब इस्लामियात की, सबसे कम क्लासेस इस्लामियात के लिए, सबसे लो पेड टीचर इस्लामियात का। तो दुनियादारों ने दीन को कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं, तो प्रायोरिटी है किधर दीन की? बच्चा कुरान पढ़ता है 500 रुपए मांगता है, अगर मौलवी तुम परेशान होते 500 रुपए मांग रहे हो, और इकोनॉमिक्स के पढ़ाने वाले ग्रेड ओएलएवस वाले टीचर को हम 10,000 रुपए देने को तैयार होते हैं। हमारी निगाह में दीन की प्रायोरिटी नहीं, ये तो हमारा मसला, उनका थोड़ा ही। और आखिरी जवाब, मेरी बात जरा सख्त होगी, माफ कीजिएगा, आप संभाले मिंबर को आके, क्यों हमने किसी और के हवाले कर रखा है? हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बने, हम एमबीए भी करें, हम डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, ये भी बने, वो भी बने, अल्लाह का दीन मजलूम है क्या? अल्लाह का दीन यतीम है क्या? अल्लाह के दीन की कोई वैल्यू नहीं, कुरान की कोई अहमियत नहीं, रसूलुल्लाह की तालीम की कोई वैल्यू हमारी निगाहों में नहीं? बाकी सारी फील्ड में हम लोग आगे एक्सेल करेंगे, सैचुरेशन भी लेकर आएंगे, सीट्स हमारे पास नहीं होती, सेल्फ फाइनेंस स्कीम पर हम जो है वो जाके एडमिशन भी ले लेते हैं, बाकी सारी फील्ड हम संभालें? अल्लाह का दीन महरूम है, अल्लाह का दीन यतीम है, अल्लाह का दीन मजलूम है, जिसके लिए किसी के पास टाइम नहीं। तो अगर आज मैं किसी पर उंगली उठाता हूं कि ये लोग गलत है, अनएजुकेटेड है, इफ आई एम एजुकेटेड वाई डोंट आई टेक द मेंबर? वी मस्ट हैव द गट्स। हम खुद जाके जो मेंबर को संभालने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, अब जो मैंने गुस्से का इजहार किया ना, नाराज ना होइएगा, रसूलुल्लाह की खिताबत में भी जोश मिलेगा आपको। मैं अपनी बात को डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, रसूलुल्लाह की खिताबत में भी जोश मिलता है, रसूलुल्लाह की खिताबत में बॉडी लैंग्वेज भी मिलती है, रसूलुल्लाह की खिताबत में चेहरों के एक्सप्रेशन मिलते हैं, और रसूलुल्लाह का चेहरा जो है वो सुर्ख भी होता था कभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नॉट टू डिफेंड देम बट टू एनकरेज यू, वी शुड बिकम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 16 बल्कि 18 साल से जुमे की इमामत कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं फर्ग्यूसन में था, पाकिस्तान की लीडिंग फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, उस दौरान भी जुम्मे की इमामत मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस प्रोफेशन को मुझे इजाजत दीजिए, दीन के प्रोफेशन की बात करो, नॉट फॉर द सेक ऑफ इनकम बट प्रोफेशन कह रहा हूं, जहां बंदा अपने आप को खपाता है, इसको बाय चॉइस इख्तियार किया है, बाय चॉइस इख्तियार किया है। तो खुदारा मैं और आप भी फिर संभाले मेंबर को, इंशाल्लाह आप और हम एजुकेटेड लोग जब आएंगे ना, तो एजुकेटेड लोगों को अच्छा दीन भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपको हम सबको कबूल फरमाए। दीन की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।